कर दिया। साथ साथ जो जनता के पैसे से मान्यवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सुख सुविधा ले रहे, चाहे वो अभिनेता हो, नेता हो, न्यायाधीश हो, सुरक्षा प्रताप, कोई भी व्यवसायी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, सरकारी वकील हो, क्लास में अधिकारी हो, कोई भी अधिकारी हो, उनके बच्चों का इलाज और उनका इलाज जब तक सरकारी अस्पतालों में नहीं होगा, सुविधा नहीं आएगी सर। और मेरी आपसे मांग है सर, एक मिनट सर, खत्म कर रहा हूँ। हम लोग लेटर लिखते हैं सर अपने क्षेत्र के सदस्य, उनके लिए, मरीजों के लिए, अगर एम्स जैसे हॉस्पिटल में सुनवाई नहीं होगी सर, क्या फायदा होगा उस लेटर का? इसलिए मेरी आपसे मांग है, आज हालात देखे सर, अगर कोई महामारी आ जाए, पहले तो मैं कुदरत से प्रार्थना करूंगा ना आए, अगर आ जाए सर, क्या निपटने की तैयारी है? धन्यवाद। ऑक्सीजन नहीं है सर, कोरोना काल में हम देखा, मैं धन्यवाद करूंगा सर आपका, और मुझे विश्वास है कि आपकी मांग, आपके जरिए माननीय मंत्री जी से हमारी मांग जो है रखी जाएगी, वो ध्यान देंगी। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद सर। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा